भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये उठाया गया मुद्दा नहीं है। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम राम मंदिर चाहते हैं कि वहाँ भव्य राम मंदिर निर्माण हो, पूजा अर्चना वहाँ लगातार चल रही, एक विवादित ढांचा था जो गिर चुका, दो पक्ष जो उसमें पार्टी थे उनके बीच में मुकदमा था, हाई कोर्ट से निर्णय मंदिर के पक्ष में आया था, लेकिन उसके अगेंस्ट लोग सर्वोच्च न्यायालय गए। सर्वोच्च न्यायालय में जब तक सुनवाई पेंडिंग है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और 20 प्रदेशों में भी हमारी सरकार है, लेकिन संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही हम आज भी कहते हैं कि मंदिर निर्माण उसी ढंग से उसी जगह पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाए। और जैसा कि अभी बीच में आदरणीय भागवत जी ने कहा, विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, जो उसके प्रमुख ने कहा कि ये विवाद का हल कानून बनाकर भी निकाला जा सकता है, तो दूसरा तरीका यह है कि सभी पार्टियां राजी हो, अध्यादेश आए और कानून के माध्यम से विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। और बहुत हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग चाहते हैं कि वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और यह इशू चुनाव में बंद हो जाए। मंदिर कभी हमारे लिए आस्था का प्रश्न है, चुनावी प्रश्न नहीं है, यह इशू चुनाव में नहीं आना चाहिए। और तीसरा रास्ता यह है कि भाई दो पक्ष जो लोग लड़ रहे हैं वहाँ पार्टी है, उसमें ना भारतीय जनता पार्टी है ना भारत सरकार पार्टी है, इसलिए यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ कर दिया जाए ऐसा हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की 29 तारीख से डे टू डे सुनवाई रखी है, तो डे टू डे सुनवाई के माध्यम से हम सभी इस आशा में है कि बहुत जल्दी एक निर्णय आएगा और एक भव्य राम मंदिर का वहां निर्माण शुरू हो जाएगा। सर, CBI कांग्रेस के जुम्मे में आप कहते थे तोता है, आज CBI मुकदमा कर रही है, हमारे आपके ऊपर कोई अगर बात होगी हम किससे CBI की जांच की मांग करेंगे, कैसे करेंगे? इसीलिए कि जो दो अधिकारी विवादित थे और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए थे, इसीलिए CBI की सिफारिश से सरकार ने उन दोनों को छुट्टी पर भेज दिया, हटाया नहीं, क्योंकि एक संवैधानिक व्यवस्था है, 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, इसलिए हटाया नहीं, उनको छुट्टी पर भेज दिया। और ये नियम भी है कि जो लोग आपस में, मान लीजिए आप इस चैनल के हैं और आपका और आपके कैमरामैन का झगड़ा हो जाए तो चैनल क्या करेगा, भाई दोनों के खिलाफ जांच कराएगा जो उच्च अधिकारी होगा, उसके बाद अपना निर्णय अगर किसी के पक्ष में आएगा तो वो फिर कंटिन्यू करेगा। यही काम सरकार ने किया कि CBI की निष्पक्षता बची रहे, इस प्रीमियर एजेंसी पे सबका विश्वास रहे, इसलिए ये निर्णय लिया गया। और जो लोग सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार के निर्णय को बदला नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने उससे सहमति दिखाई।